में 7 सितंबर को यह यात्रा निकली थी, भारत जोड़ो यात्रा, तो शायद उसने ये महसूस किया होगा कि हम जो बहुत छोटे छोटे इश्यूज में अपनी एनर्जी और समय लगा रहे हैं, उसके मुकाबले हमको बृहत्तर जो मुद्दे हैं, जो भारत का जो बृहत्तर एक जो आयाम है, राजनीति का है, सामाजिक समाज का है, संस्कृति का है, अर्थनीति है, इसको लेके हमको आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो लगभग 4,500 किलोमीटर की जो यात्रा निकाली है, इसमें काफी कुछ वो निश्चित रूप से नजर आया था। दूसरी बात, जो बहुत सारी जो आशंकाएं शकील जी ने व्यक्त की है, उसमें दम है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम सबको और हर उस व्यक्ति को जो लोकतंत्र को बचा के रखना चाहता है, उनकी आशा का केंद्र अगर कोई है तो वो इस समय कांग्रेस ही है। तो कांग्रेस अगर चुनावी बिसात पर अपने मोहरे नहीं उतार रही है, ठीक से आगे नहीं बढ़ रही है, तो सबकी चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन मुझे एक ऐसा ये भी लगता है कि पहले शायद कांग्रेस जो है एक तरीके से पूरा का पूरा मंथन ठीक से कर लेना चाहती है, और अभी जो 24, 25, 26 को जो प्लेनरी सेशन जो होने वाला है वो शायद बहुत महत्वपूर्ण होगा और उसमें से कुछ निकल कर आएगा। शायद ये हो सकता है कि कांग्रेस को एक ये भी आभास हो गया होगा कि अब हमें ऐसे छोटे राज्यों पे ताकत लगाने की बजाय हमको उन 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 राज्यों पर अपनी असली शक्ति लगानी चाहिए जो हम हासिल कर सकते हैं। हालांकि ये अपने आप में एक गलती हो सकती है कि भाई छोटे राज्य क्या महत्वपूर्ण नहीं है, अल्टीमेटली नॉर्थ ईस्ट जो है वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो मंथन है, कांग्रेस क्या करने जा रही है, ये अभी देखने की बात है। ये एक बात तो निश्चित है कि जितने हम लोग चिंतित हो रहे हैं या जनता चिंतित हो रही है, या जो चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र जो है वो वापस फिर से अब मजबूती के साथ कायम हो, और उसका रास्ता जो है वो कांग्रेस की जीत से ही होगा, तो लेकिन ये बात जो है कि कांग्रेस भी अपने आप में इस समय पिछले कुछ समय से अच्छी खासी गंभीर हुई है अपने मसलों को लेकर। खास उसने इसे बहुत बड़ी आयोजन किया, आप देखिए कि उनका मीडिया एक्टिव है, तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के अगले दावों देखने के लिए हमको कम से कम रायपुर का जो सत्र है, सेशन जो है, वो इंतजार हमें जरूर करना चाहिए। हो सकता है कि ये जो स्ट्रेटेजी है जिसका खामियाजा कुछ राज्यों में हुआ, जैसे गुजरात है, गुजरात में नहीं गए राहुल गांधी, नहीं गए, ठीक है, पता है कि आप गुजरात जाके बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते थे, सॉरी प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जीत ही रहे थे, एक तरह का आभास हो गया था, और गुजरात में उनके जाने के बाद भी बहुत ज्यादा ही नहीं हुआ। मैं एक अच्छा खासा अखबार, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, उनका ये कहना था कि गुजरात में जाकर जिस तरीके से राहुल गांधी अप्रासंगिक हो गए, और वैसे ही हिमाचल प्रदेश न जाकर वहां कांग्रेस जीत गई, इसका मतलब पार्टी के अंदर भी वो अप्रासंगिक हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन छोटी छोटी बाहरी टिप्पणियों से बचने के लिए फिलहाल कांग्रेस जो है इस सत्र में, आने वाले सत्र में, एक गहन गंभीर मंथन करेगी। एक बात तो तय है कि इस समय जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो बहुत ही सीरियस थिंकर्स के हाथों में है। जिस तरीके से हम खड़गे का जो व्यवहार देख रहे हैं, उनकी आक्रामकता देख रहे हैं, जिस हिसाब से वो इश्यूज उठा रहे हैं, कम संख्या होने के बावजूद वो बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वो सारी की सारी चीजों के बहुत हल्के में ले रहे होंगे। निश्चित रूप से वो हम लोगों से कहीं ज्यादा गंभीरता से इन सब चीजों पर विचार कर रहे होंगे। तो हमें कांग्रेस के इस व्यवहार पर और उसके भविष्य को लेकर कोई टिप्पणी करने के पहले मुझे लगता है कि रायपुर के सत्र का हमें इंतजार करना होगा, ऐसा मुझे लगता है। राजीव जी, जी जी बिल्कुल, रायपुर के सत्र का इंतजार कांग्रेस के लोगों को भी है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और यहां हम यही